पैसों की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। जैसे ही कुछ इंतजाम होगा मैं तुम्हें दे दूंगी। माँ पिछले 6 महीने से आप यही बहाने बना रहे हो। ये तो किस तरीके से बात कर रही है माँ से, तुझे तमीज नहीं है क्या? आप ना बीच में मत बोलो। बेटा रहने दे, अभी गुस्से में है इसलिए ऐसे बोल रही है। और अभी इसके बर्थडे पे भी मैंने कुछ नहीं दिया था इसे। क्या फायदा आप लोग का इतना रिच होने का, एक छोटी सी ट्रिप के लिए पैसे नहीं दे सकते हो? आप लोग से ना बोलना ही बेकार है। रिचा रिचा सुन तो लो बेटा। माँ आप इसे सब कुछ सच क्यों नहीं बता देते? बेटा अभी छोटी है, धीरे धीरे समझ जाएगी। पता नहीं कब समझेगी। रिचा 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 रुक, ये तूने किस तरीके से बात करी है माँ से? या आप तो हमेशा माँ की साइड लेते हो, आपको मेरी तकलीफ नहीं दिख रही है क्या? इतनी छोटी सी चीज इतने टाइम से बोल रही हूँ। माँ ने तुझे हमेशा अपनी कैपेबिलिटी से बढ़ के ही दिया है। कैपेबिलिटी? इतने पैसे और एक छोटी सी ट्रिप के लिए पैसे नहीं दिए जा रहे उनसे? कोई पैसा नहीं है हमारे पास, समझी? माँ साड़ियों में फॉल लगाती है और लोगों के ब्लाउज बनाती है, और यही मेहनत करके उन्होंने हम दोनों को बड़ा किया, समझी? तो इतना बड़ा घर कहाँ से आया हमारे पास? ये घर दादाजी का दिया हुआ है। पापा की डेथ के बाद फैक्ट्री में काफी लॉस हो गया था, इसलिए फैक्ट्री को बंद करना पड़ गया था। और तुझे पता है माँ उसी फैक्ट्री के आगे एक टेलर की शॉप में वर्क करती हैं। माँ ने तुझे ये सब कुछ बताने से मुझे मना किया था ताकि तेरी पढ़ाई पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े और तेरा एमबीए का ड्रीम पूरा हो जाए। लेकिन आज जब तूने माँ से बदतमीजी करी ना, तो मुझसे रहा नहीं गया और मुझे मजबूरन तुझे ये सब कुछ बताना पड़ा। भैया आई एम रियली सॉरी, मुझे सच में नहीं पता था ये सब। तुझे पता नहीं है तेरी बातों को सुनकर माँ को कितना बुरा लगा होगा। सॉरी मुझे नहीं, माँ को जाके बोल। माँ। क्या बेटा? आई एम सॉरी माँ, मुझे प्लीज माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजी करी। कोई बात नहीं बेटा, गलती तो मेरी ही है ना। पहले मैं तुम्हारी बर्थडे पे कुछ नहीं दे पाई और अब तुम्हारी ट्रिप के लिए मेरे पास पैसे ही नहीं है। मुझे किसी फॉरेन ट्रिप पर नहीं जाना है, मुझे सिर्फ आपके साथ रहना है। एंड आई प्रॉमिस आज के बाद मैं कभी आपसे बदतमीजी नहीं करूंगी, आप प्लीज मुझे माफ कर दो। बेटा मैंने तो तुझे कब का माफ कर दिया। माँ आपने वैसे भी मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मैं आप पर और बोझ नहीं बनना चाहती हूँ, इसलिए आपसे कॉलेज के बाद मैं पार्ट टाइम जॉब भी करूँगी ताकि घर चलाने में मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। हेल्प? हाँ माँ, भैया ने मुझे सब बता दिया है। आज तक आपने मेरे लिए जो भी किया है उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ, और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं इतनी काबिल बनूंगी कि आपको आगे कोई काम ना करना पड़े। And I promise कि एक दिन आप मुझ पे प्राउड फील करोगे कि मैं आपकी बेटी हूँ। गुड नाइट माँ, फॉरएवर। अर्जुन साहब, साहब वो डॉक्टर साहब का फोन आया था, वो बोल रहे थे कि मैडम की तबीयत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है, अगर यही रहा तो अस्पताल में जल्दी भर्ती करवाना पड़ेगा। हॉस्पिटल तक तो बात ही नहीं आएगी, मैं यही निपटा दूंगा। मतलब साहब? मतलब कुछ नहीं, मैं बस ये कह रहा था कि मेरा एक दोस्त डॉक्टर है तो वो उनका यही ट्रीटमेंट कर देगा तो यही ठीक हो जाएंगे। और मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ, तुम माँ का ध्यान रखना, ठीक है? जी साहब। ये सब क्या लगा रखा है? साहब वो माँ जी को दवाइयाँ दे रही थी और
कमरे की भी सफाई करनी थी। माँ को दवाइयाँ मैं दे दूंगा, तू जाके मेरे लिए खाना लगा, समझी? आज मैं आपका चैप्टर फाइनली क्लोज कर ही दूंगा। ना ही आपकी वजह से मेरी अंजलि से शादी हो पा रही है और ना ही ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे हो पा रही है। मेरी सारी प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन है। तेरे को मना किया था ना यहाँ पे आने से, जा यहाँ से। साहब हम आपको बाजी के साथ गलत नहीं करने देंगे। देख मेरे मैटर के बीच में मत पड़, तेरा मुंह बंद करने के लिए तुझे पैसे दे दूंगा, अभी निकल यहाँ से। साहब हमको पैसे नहीं चाहिए। कितना पैसा चाहिए बोल, 1 लाख 2 लाख जितना मांगेगी उतना दूंगा, अभी निकल यहाँ से। हमने बोला ना हमको पैसे नहीं चाहिए, हम आपको कुछ गलत नहीं करने देंगे। तू रोकेगी मुझे? हाँ साहब हमने पुलिस को फोन कर दिया है, पुलिस अभी आती होगी। अब तेरा यकीन कौन करेगा? ना ही कोई सबूत है, ना ही कोई गवाह है। साहब हमारे पास सबूत है। हमने सब रिकॉर्ड कर लिया है। You bitch!